बिग बाजार। ऑलमोस्ट सबने ये नाम सुना होगा। बिग बाजार ने 2001 में सिर्फ एक रिटेल स्टोर से अपनी शुरुआत करी थी, जिसके बाद बिग बाजार के 300 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर इंडिया की 120 सिटीज में ओपन हुए। लेकिन कैसे 300 स्टोर जीरो हो गए और पूरी कंपनी दिवालिया हो गई? किशोर बियानी जो सीईओ और फाउंडर है फ्यूचर ग्रुप के, जिन्होंने काफी फेमस ब्रांड्स को शुरू करा लाइक पैंटालूंस, एफबीबीएन, बिग बाजार, और क्यों किशोर बियानी पूरे फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ में मुकेश अंबानी को बेचने के लिए रेडी हो गए, और साथ ही अमेजोन ने भी फ्यूचर ग्रुप के ऊपर केस फाइल कर दिया, आखिर ऐसा हुआ क्या था? किशोर बियानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके ग्रैंडफादर मुंबई में धोती और साड़ी सेल करते थे। बियानी का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, इसलिए वो अपना ज्यादातर फ्री टाइम में कॉलेज के दोस्तों के साथ न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करते रहते थे। लेकिन बिजनेस उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। वो घंटों तक शॉपकीपर्स के साथ बैठकर कस्टमर्स को ऑब्जर्व किया करते थे। हर दिन वो कुछ नया सीखने लगे और साथ ही कस्टमर्स की नीड्स को, जिसके बाद एट द एज ऑफ 22 किशोर बियानी ने ट्राउजर्स बनाना शुरू करा। उन्होंने नोटिस करा उनके दोस्त स्टोन वॉश्ड फैब्रिक ट्राउजर्स पहन रहे हैं। वहां से उन्होंने उस ट्रेंड को पकड़ा और एक लोकल फैब्रिक मैन्युफैक्चरर को अप्रोच करा सेम फैब्रिक बनाने के लिए। 1987 में किशोर बियानी ने अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट करा मेंस वेयर, जिसको बाद में रीनेम कर पैंटालूंस कर दिया था, और ये एक सक्सेसफुल ब्रांड बनके सामने आया, जिसके बाद किशोर बियानी ने 2001 में इंडियन कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइसेस पर देने के लिए बिग बाजार को शुरू करा, जहां स्टेशनरी आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्लोथ्स और फर्नीचर से लेकर सब कुछ मिलता था। पर्सन को किसी और आइटम के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और बिग बाजार उस टाइम कस्टमर्स को हैवी डिस्काउंट ऑफर कर रहा था, और बिग बाजार की वेंसडे सेल का हर कोई वेट करता था, और देखते ही देखते बिग बाजार काफी फेमस हो गया और एक जायंट हाइपरमार्केट चेन बन गया। बिग बाजार के 300 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स इंडिया की 120 सिटीज में ओपन हुए। ये एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ था। 300 में से 100 स्टोर सिर्फ 6 साल के अंदर ही ओपन हो गए थे। बियानी जी ने बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करने की सोची और फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, फिल्म मेकिंग और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इन बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किशोर बियानी जी ने हजारों करोड़ों के लोन लिए, और इन बिजनेसेस में एक्सपीरियंस ना होने की वजह से और इतना फास्ट और अनवांटेड एक्सपेंशन फ्यूचर ग्रुप की बर्बादी का कारण बना, और कंपनी कर्ज के समुद्र में डूबती चली गई लोन्स को रिपे करने के लिए। फ्यूचर ग्रुप को अपना सक्सेसफुल ब्रांड पैंटालून के मेजॉरिटी स्टेक 1600 करोड़ में आदित्य बिरला को बेचने भी पड़े थे। 2007 में फ्यूचर ग्रुप ने futurebazaar.com को शुरू करा, जहां पर्सन ऑनलाइन ही सब कुछ ऑर्डर कर सकते थे। लेकिन उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग का इतना क्रेज नहीं था और उस टाइम इंडिया में इंटरनेट यूजर्स भी कम थे। जब किशोर बियानी जी को अपने एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पर फोकस करना था और ट्रैक पर आना था, वहां बियानी जी फिर से लोन के दम पर और अलग अलग ब्रांड्स को खरीदने लगे। 2014 में किशोर बियानी जी ने फिर से कर्ज लेकर साउथ की सुपरमार्केट चेन नीलगिरीज को 300 करोड़ में खरीदा, और फिर 2017 में और एक सुपरमार्केट चेन हाइपर सिटी को खरीदा, जिसके अक्रॉस इंडिया में 20 स्टोर्स थे, लेकिन सब बाइंग कर्जा लेकर हो रही थी, और 2019 में किशोर बियानी जी पर 12,000 करोड़ का कर्जा हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि किशोर बियानी जी को ऑनलाइन रेवोल्यूशन दिखाई नहीं दिया था? जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री उभर रही थी, उस टाइम किशोर बियानी काफी टफ फेस से गुजर रहे थे। 2007 में फ्लिपकार्ट भी मार्केट में एंटर कर चुका था, लेकिन उस टाइम फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स बिनी बंसल और सचिन बंसल सिर्फ बुक्स सेल किया करते थे। उनका मेन फोकस कस्टमर्स को बेटर एक्सपीरियंस देने पर था। वो प्रोडक्ट फोकस ना होकर कस्टमर्स फोकस थे। फ्लिपकार्ट को वेंचर कैपिटल की बैकिंग थी, इसलिए वो कस्टमर्स को भारी डिस्काउंट ऑफर कर पा रहे थे। ऑन दी अदर हैंड फ्यूचर ग्रुप को किसी वेंचर कैपिटल की बैकिंग नहीं थी, और किशोर बियानी ने इस बात को कन्फेस करा कि उन्होंने 300 से 350 करोड़ खोए ऑनलाइन एंटरप्राइज को बदलने में। 2020 में COVID-19 पेंडेमिक ने फ्यूचर ग्रुप की कमर ही तोड़ दी। लॉकडाउन की वजह से बिग बाजार के सारे स्टोर्स को बंद करना पड़ा और कंपनी ऑलरेडी कर्जे में थी, और फिर 29 अगस्त 2020 को रिलायंस ग्रुप ने अनाउंसमेंट करता है वो फ्यूचर ग्रुप के सारे अपैरल, लाइफस्टाइल और ग्रोसरी बिजनेस को एक्वायर कर रहा है तकरीबन 24,713 करोड़ में। मतलब जिन बिजनेसेस को हम जानते हैं लाइक बिग बाजार, नीलगिरीज, एफबीबी, इजी डे, सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री, सब रिलायंस की टेबल पर होंगे। किशोर बियानी, जिनको मॉडर्न किंग ऑफ रिटेल के नाम से जाना जाता था, उनको अपना पूरा एम्पायर छोड़ के जाना होगा जो उन्होंने इतने सालों में इतनी मेहनत से बिल्ड करा था। लेकिन इस डील में अमेजोन बीच में आ जाता है, क्योंकि 2019 में अमेजोन ने 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे थे फ्यूचर ग्रुप कूपन्स में फॉर 49% स्टेक, जिससे अमेजोन के पास इनडायरेक्टली फ्यूचर रिटेल के 3.5% स्टेक आ गया। जहां अमेजोन का कहना था, 2019 में अमेजोन और फ्यूचर ग्रुप के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जहां फ्यूचर ग्रुप को फ्यूचर रिटेल को बेचने से पहले अमेजोन से पूछना होगा। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया, तो उन्होंने सुनवाई होने तक इस डील को होल्ड कर दिया। लेकिन रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की ये 24,713 करोड़ की डील कैंसिल हो गई, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने इस डील के अगेंस्ट में वोट कर दिया। क्रेडिटर्स दो टाइप के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर क्रेडिटर के पास ही सिर्फ पावर होती है, वो कंपनी को बिकने से रोक सकते हैं अगर मेजॉरिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स किसी डील के अगेंस्ट में वोट दे दे तो।
सिक्योर क्रेडिटर वो होते हैं जब कंपनी लोन लेती है तो उस लोन को देने वाले लेंडर्स को क्रेडिटर्स कहा जाता है। अब बिग बाजार मार्केट में कम बैक कर पाता है या नहीं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं और बिना कोई पैसे दिए यूज कर रहे हैं तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखेगी, कैसे व्हाट्सएप बिना कोई एडवर्टाइजिंग और डेटा लीक करे कैसे करोड़ों रुपए कमाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।